तू चांद और मैं तारा। चची, हम बहू को अच्छी तरह बहू बनाकर क्यों नहीं रख सकते? शायद इसलिए कि बेटियां ज्यादा प्यारी होती है। अगर हम बहुओं को बेटियों जितना प्यारा समझे ना, तो बहुओं को बेटियां बनने की जरूरत ही नहीं है, वो अपना किरदार खुद ही निभा लेंगी। और ये भी तो हो सकता है कि बहुएं ज्यादा ख्याल रखें बेटियों से। यार तारा, तुमने सुबह सफू चची की पसंद के कपड़े पहन लिए, अब ये नाज चची बीच में आ गई है, मैं कहां जाऊं? जान, थोड़े दिनों में उनकी चाह पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम तुम होंगे, बादल होगा और रक्त में सारा जंगल होगा। हाँ, लेकिन ये टाइम तो वापस नहीं आएगा ना हमारा। असल में ना कोई समझता ही नहीं मेरी बीमारी को इस घर में। चची, प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी होती है, बस इसमें इंसान को थोड़ा सा अपना ख्याल रखना पड़ता है और बस। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में कैसे आराम करूं? चची, इंसान किसी भी सिस्टम में हो, खुद के लिए उसे टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से हम खवातीन की प्रायोरिटी लिस्ट में अपने लिए टाइम निकालना सबसे लास्ट ही होती है। और यहाँ तो मुझे खड़ा कर रखा है वेटिंग लाइन में, अच्छा खासा 6 फीट का बंदा दिखाई नहीं दे रहा। चची, आपका बीपी बहुत लो है, इसीलिए चक्कर आ रहे थे। बस अब आप यहाँ बैठिए, आराम कीजिए और बाकी सारे काम मैं और ना सची देख लेंगे। मुझे मत देखना, बाकी सारी दुनिया को देख लेना। अरे चांद, तुम क्या हम खवातीन में घुसे बैठे हुए हो? तुम जाओ अपनी सास को जाके अटेंड करो, उसको तुम्हारी कंपनी की जरूरत है, अकेली बैठी हुई है वो। वो भी तो खातून ही है। चला जाता हूँ भाई। इसे किस बात का गुस्सा चढ़ा रहता है? नहीं नहीं, बस वैसे ही। बेहतर लाइट है और मुझे इस साइड पे खड़े होना। अरे बेटा, ये इमोशनल किस्म की बातें ना करो, अगर इतना मिस करना था तो गई क्यों थी? फिर पाऊजन, मुझे याद आ रही है आप लोग सब कितना मजा कर रहे होंगे अभी। हाँ, मजा तो बहुत आ रहा है भाई, बहुओं के आने से खूब रौनक लग गई है। अच्छा पाऊजन, जरा हाशु को फोन तो दीजिएगा। हाँ एक मिनट। खाम खा के सुपरस्टार, ये फोटो सेशन करवा लेना, बहन से बात कर लो। हाँ जी माला। हाय हाशु, देखो अगर तुम्हें ये शर्ट अपने वार्डरोब में ना मिले ना, तो घबराना नहीं है तुमने। ओके। ओ खुदाया, मेरी इतनी महंगी शर्ट छोड़नी? माला उतारो अभी शर्ट। आ रही है अभी। आप अच्छा बेटा, फिर बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़। क्या हो गया भाई? पा, मेरी इतनी महंगी शर्ट पहन के चली गई है, चोरनी हार के आएगी इंशाल्लाह। बहन है, ऐसी बातें नहीं करते। क्या हुआ बाबू भैया, किसकी कॉल थी? अरे रोमी की माँ की, जब से कनाडा गई है अजीब गरीब दुख भरी शायरी भेज रही है। बाबू भैया, मेरी माँ ने बिल्कुल ब्लॉक कर दे। कैसे ब्लॉक कर दूँ, समझ रहे हमारी। बैठ बैठ जा। अच्छा कब से कॉल कर रही है? ओए खामखा के टिक टिक टुक टुक, तस्वीरें खींचते ही मतलब नहीं है कि तुम सोशल मीडिया पे से फौरन अपलोड कर दो, बहुत ही गैर खानदानी हरकत होती है। हाँ चलिए, मेमोरीज कलेक्ट करते हैं, सब मिलके पिक्चर लेते हैं। ऐसी कोई टोपी अभी तक बनी नहीं है जो तुम्हें पहनाई जाए। हमारा फैमिली टाइम है ना, और हमारे फैमिली टाइम में मोबाइल का इस्तेमाल करना सख्त मना है, इसीलिए तो मोबाइल अरेस्ट कर लेते हैं हम। वेरी गुड, ये लीजिए। थैंक यू। आइए, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बाबू भाई तुम। हाँ जरूर। आइए जनाब, ऑर्डर हम दे रहे हैं अपनी गाड़ी। हाँ हाँ बिल्कुल, अब मनी से मिलने। हाँ भाई, हमारा भाई है। मोबाइल प्लीज जल्दी रख दे, जल्दी फोन फोन। राजा क्या मेरे पीछे ले लोगी? हेलो, सब खानदान में कहते हैं कि मैं तो
मेरे सामने तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन मुझे खुद पता है कि मैं बहुत क्यूट हूँ। अच्छा चलो, ये चांद तारा कहाँ रह गए? नाज उन्हें बुला के लाओ। ठीक है, मैं बुला के लाती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी सेटिंग की हुई आपकी। मैंने खाना आज बहुत अच्छी जगह से आया। कहाँ से? कहाँ से? राजधानी से। राजधानी? राजधानी से। ओहो, चांद साहब जरा एक नजरे कर हम यहाँ भी डालें अपनी किस्मत के तारे पर। क्यों, जाके चाची इसको दिखाओ ना, जिनको खुश करने के लिए उनकी पसंद की ड्रेसेस पहन रही हो। ठीक है, मत देखो, वैसे भी हमारी हुस्न की कहाँ ताप ला पाओगे। इतनी कौन सी। इतनी भी प्यारी नहीं लग रही हो। अच्छा, सच में? क्या तकलीफ है? अपनी इतनी प्यारी सी बीवी को प्यार से देखते हैं। माना कि तुझे उस चाव से देखा नहीं मैंने, तूने भी तो उस रंग के कपड़े नहीं पहने। अरे, बड़ी शेरोशायरी के मुकाबले चल रहे। कसम से, जब मेरी और मत्ती की शादी हुई थी ना, मत्ती भी शुरू में ट्रकों वाली शायरी सुनाते थे मुझे। चची, एक तो आप मच्चू को हर जगह घुसा लिया करें। पूरा खानदान मिसालें देता है हमारी मोहब्बत की। हाँ, हमारी भी पूरा खानदान मिसालें देगा। एक बार हमें टाइम तो मिलने दे एक दूसरे के लिए। टाइम से याद आया, नीचे कोरम पूरा हो चुका है, सब इंतजार कर रहे हैं। स्पीड पकड़ो। और हाँ, नजर उतार लेना, कितनी प्यारी लग रही है इन कपड़ों में। नजर तो मैं उतार लूंगा, मेरी ही नजर लगेगी। भाभी स्माइल। अरे, इतनी सारी पिक्चर्स का क्या करोगी? मेमोरीज कलेक्ट कर रही हूँ, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगी। अच्छा, एक पिक्चर अपने भाई और भाभी की भी बना लो। जी जी, ऐसे। चलो भाई, लेट हो रहे हैं, आ जाओ तुम। आ जाओ। मुझे अपना घर याद आ गया, वैसी रौनक। वाह माशाल्लाह, कितनी खुश है हमारी बेटी। ये तो पटाखा फटने की आवाज से भी खुश हो जाए थे। चले जी, गेम खेलते हैं पासिंग द पिलो। कलर ले आते क्या? हो जाए पासिंग द पिलो। रेडी, थ्री। चले जी, रेडी। चलो भाई गफूर भाई, म्यूजिक तो चला दे। थ्री टू वन। निकालो, क्या है मच्छू के लिए? आपकी पर्ची में आया है आपको कपल डांस करना है। हाय अल्लाह, वाह, गलत। हम हैं तैयार, चलो। ये कौन सा डांस है? जावर साहब के नाम की पर्ची निकाले। अच्छा जी। आपको किसी को प्रपोज करना है।
जाहिर है। Will you marry me? एक ही गलती कोई बार बार नहीं कर सकता है। बहन जी, बाज़ गलतियां जो होती हैं ना बहुत खूबसूरत होती हैं, मगर जब इंसान चला जाता है ना तो फिर उसका एहसास होता है जैसे गुल्लो चलेगी। बहुजन प्लीज आज उदासी वाली कोई बात ना करें। पापा, आप मामा को वैसे ही प्रपोज करें जैसे आपने किया था। जी अंकल प्लीज। नहीं, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो। मामा। अरे भाई थोड़ी सी एक्टिंग कर दो, वैसे भी तुम समर फैसल से मिलती हो। हेलो हेलो, कॉम्प्लीमेंट है। आए जाना तो अब विल यू मैरी मी? शर्माने की एक्टिंग भी कर ली, अब खुश हैं आप लोग? फिर पॉकेट में डाल ले। राउंड थ्री लगाए मुझे। थैंक यू। बताओ भाई क्या है चिट में? आपको कोई अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बता ली है? सोच क्यों था? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी मिसेस के साथ किसी आइलैंड पे जाना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ हम दोनों हों। भाई ये ख्वाहिश तो तुम्हारी पूरी हो गई। वो कैसे भौजा? आने के बाद बताता हूँ। म्यूजिक। अरे ये रुक क्यों नहीं? भाई साहब आपकी बारी है। और पर्ची तो भाई पर्ची। अबे आप किसी को अगर नसीहत करना चाहें तो क्या करें? नसीहत? नसीहत यह है कि आप लोग अपनी जिंदगी खुल कर जिए और अपनी बीवियों के हिस्से का वक्त उन्हें ईमानदारी से दें, उसमें उनके साथ ज्यादती ना करें। क्या मतलब बाबू भैया? मतलब यह कि हम अपनी बीवियों को घर तो ले आते हैं लेकिन ये याद नहीं रखते कि उनकी भी जिंदगी है, उनको घर के कामों में और बच्चों की जिंदगी में उनके मसलों में ऐसे उलझा देते हैं कि उनको अपना मी टाइम नहीं दे, जैसा कि मैं गुल्लू को नहीं दे सका। अरे बाबू भैया, आप तो गुल्लू भाभी से बहुत प्यार करते थे। हाँ प्यार तो करता था लेकिन उसकी जिंदगी में उसको ये एहसास खुल के नहीं दिला सका। जब इंसान दुनिया से चला जाए तो फिर इस गिल्ट का क्या फायदा? बोलो अगर तुम सुन रही हो, आई एम सॉरी। इसलिए कहता हूं कि हर रिश्ता खुलकर जिए। ठीक कह रहा बाबू भैया। वो चली गई तो पता चला कि मियां बीवी का रिश्ता कितना खूबसूरत है। हम लोगों की जवानी तो बच्चों को पालते हुए गुजर गई, पता ही नहीं चला। जब इंसान इस उम्र में पहुंचता है और एक पार्टनर चला जाए तो फिर उसकी कमी महसूस करता है शिद्दत से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब सारे मर्द हजरात जो यहाँ तशरीफ रखते हैं फौरन पॉलिसीज ने अपनी बीवियों के नाम हाँ ताकि अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। हरि अब यहाँ भी कारोबार शुरू हो गया। हाँ इन लोगों को भी चूना लगाने पर तुम भाई सच बताओ मुझे तो पॉलिसी की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा जो कुछ भी है मेरी मेहनत का ही है। हाय अल्लाह चुप कर जाए मत्ती कहीं नजर ही ना लग जाए। क्या हुआ खैरियत? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मेरी। क्यों क्या हुआ? मैकबोन में बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। भाई देखो तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक रही है, फौरन खाना लगाओ। अरे बाबू भैया आपने खुद ही तो कहा था कि अपने पार्टनर का ख्याल रखा करो। ओ हाँ
भाई आज का खाना है राजधानी से। खानदानी जायका। सर तीन तीन पॉलिसियां फड़का दी मैंने आज। हाँ सर वो मेरी बेटी का ससुराल है ना, सबको दे दी। सर थोड़ा सा तो सबर कीजिए, सुबह जमा करा दूंगा कागजात। थैंक यू सर, थैंक यू। पापा आज तो अपना बिजनेस बंद कर दें। देखा अपने बाप का टैलेंट, सारी जिंदगी चूना ही तो लगाते रहे दीवार समझकर। अरे मेरी जान, प्यार का पोचा भी तो तुम पे लगाता रहा हूँ। बस कर दे, कोई सुन लेगा। अरे तो सुन ले, अभी तो तुम्हारे ससुर लेक्चर दे रहे थे कि बीवी से मोहब्बत करो, उसका ख्याल रखो, उसको गाने सुनाओ। है आप क्यों घूर रही है मुझे ऐसे? कहा था ना कोई जरूरत नहीं है अपने बाप को बुलाने की, करवा दिया ना शर्मिंदा मुझे। रजी आपको, रजी ऐसे बैठा ऐसी है ये। हाँ रजी, इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ हाँ सब ठीक है। तुम क्यों आ गए यहाँ? अरे सुना नहीं बाबूजान ने क्या कहा है? तुम पर भी उनकी बात का असर हो गया। चलो यहाँ से। अरे दो मिनट सुकून से मेरी बात तो सुन लो। ये सब क्या सोचेंगे? अरे यही सोचेंगे कि हमारी नई शादी हुई है और हम एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। अच्छा बोलो क्या बात करनी है जल्दी। जानू बात ये है कि मुझे भाभी आपको वाउचर बुला रहे हैं। अच्छा अब तुम जाओ, मैं आती हूँ। नहीं डेजिन का है, मेरे साथ ही आएगा क्योंकि भावजन कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले। चलो भाई चल के ये बड़ी अनाउंसमेंट सुन लेते हैं, वैसे ही आज भावजन को बड़े बड़े लेक्चर्स आ रहे हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो ना। चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम नैन तारा और रूमी के नाम। ड्रम ले आओ। भाई आज तुम्हारा बैंड का है मत्ती, जब उसकी शदीद जरूरत थी। बाबू भैया आज एनुअल डिनर था ना, तो उनकी मैंने छुट्टी कर दी। शुक्र है। आ गए आ गए आ गए आ गए। वाह वाह वाह। एक मिनट। हां जी ये है बेटा तुम्हारा गिफ्ट। वाह भाई म्यूजिक म्यूजिक। भाई हमने आप लोगों को चाबियां दे दी हैं, अब खुद से कमेटी डाल के गाड़ियां खरीद लें। की बातों पे ना जाएं, ये दो एम्बुलेंसेस की चाबियां हैं जो कि हमारी बहू की फरमाइश पर मेरी तरफ से इनके अस्पताल को डोनेट की गई। वाह भाई म्यूजिक म्यूजिक। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच बाबूजान। जीती रहो बेटा जीती रहो और आबाद रहो। ये बरी के पैसों से खरीदी गई हैं, वलीमा चूंकि सुन्नत है इसलिए वो मैं अपने खानदान को खिलाऊं। वाह भाई मैं कहता हूं म्यूजिक यार। हां भाई और मेरी और सफीरा की तरफ से गिफ्ट नंतारा और रूमी के लिए। क्या है? चेक तो करो क्या है? एक सेकंड एक सेकंड। अब्बा ये तो दुबई की रिटर्न टिकट है। ओह माय गॉड ये। अरे गरीबों ये हनीमून के टिकट्स हैं, वहाँ का चार दिन का स्टे, खाना पीना घूमना, मेहनाज एंड मट्टी कंपनी की तरफ से तुम दोनों कपल्स के लिए। चलो भाई तैयारी पकड़ लो, परसों की सब इंतजाम हो चुके हैं। मैं तो अभी से रेडी हूँ। खुश हो खुश हो। और तारा दुबई से आगे सिंगापुर और मलेशिया चले जाना, वहाँ का सारा खर्चा मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। क्यों तारा तुम्हें खुशी नहीं हुई?
क्या बात है बेटा, कहो क्या हुआ है? नजरें लग गई हमारी बच्ची को तो। बताओ बेटा। सॉरी सारे, मैं हनीमून पर कहीं भी नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों? भाई, म्यूजिक। अरे बोलो ना कुछ, मुझे तो लगता है इसके दिमाग में कोई नया वायरस आ गया। कमाल है, ऐसे ट्रिप के लिए तो लोग तरसते हैं, लेकिन हमारी तारा कोई भी बात ऐसे नहीं कह सकती। यकीनन इसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा होगा। मत्ती का एक्सपीरियंस कह रहा है कि तारा दुबई और सिंगापुर जाना नहीं चाहते। भाई अगर ऐसी बात है तो जहाँ दिल चाह रहा है वहां चले जाएंगे दोनों। ये भी है। बेटा अगर तुम हमें बताओगे नहीं तो हमें मालूम कैसे होगा? बोलो, जुबान क्यों बंद हो गई है तुम्हारी? बेटा बोलो, मैं वादा करता हूँ जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। ओ बाबूजान, 7 दिन की छुट्टियां सिर्फ मेरी। तो मसला क्या है? डॉक्टर शब्बीर से कह के छुट्टियां बढ़वा दूंगी तुम्हारी। और क्या, ये फायदा होता है अपना हॉस्पिटल होने का, है ना? वो IMM के एग्जाम्स भी होने वाले हैं ना, 1 महीने बाद है वो, अभी से क्या मुसीबत आन पड़ी है तुम्हें? आराम से बात करो मेरी बेटी से। मेरी भी बेटी है वो, डाउनलोड नहीं करवाई गूगल से तुमने? ये बातें बच्चे सुन सकते हैं? जो कुछ भी है बेटा छोड़ो इसे, तुम बताओ मेरी बेटी क्या चाहती है? ओ पापा, मैं 7 दिन की छुट्टियां। आप बोलो बेटा, डरो मत, बोलो। वो मैं सब घर वालों के साथ गुजारना चाहती हूँ। और दिखाओ इसे फैमिलीज वाली मूवीज, उसी में लड़कियां ना इसी तरह की ऊटपटांग हरकतें करती हैं। मैं अपनी छुट्टियां जाया नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं हनीमून पे अकेला चला जाऊंगा। जैसा हमारी बहू चाहेगी वैसा ही हो। तो पतली गली से निकल गया भाई। बाबू भैया ने पार्टी बदल ली। भाई साहब ये तो वाकई खिसक गई है। आप तो सेंसिबल है ना, आप फैसला करें, बिजवाएं ने जबरदस्ती ताकि एक दूसरे को अकेले वक्त दें। रजी, ये इनका घर है, ये खुद फैसला करेंगे, तुम खामोश बैठो। दुबई के रिटर्न टिकट। अब्बा बड़े डिजिटल हो गए हैं यार, उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किए टिकट मुसाफिर ऐप से। नो गुरु, दैट्स सो कूल। हेलो, चलो चलो दुबई, चलो चलो दुबई, चलो 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 दुबई, चलो 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 दुबई, चलो 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 दुबई। जो मैं तो यूं करके पिक्चर खिंचवाऊंगी बुर्ज खलीफा पे, और मैं यूं। यार कितना मजा आएगा, हम इतने टिकटॉक्स बनाएंगे। अच्छा हम कल ही शॉपिंग करने चलेंगे। नहीं नहीं, शॉपिंग वहां से करेंगे। हां ये मुझे क्यों नहीं आईडिया आया, है ना? एक सेकंड, ये मिस ब्रेकिंग न्यूज़ की कॉल क्यों आ रही है? आ गई होगी कोई न्यूज़ उसके पास। उठाओ उठाओ, पेट में दर्द हो रहा होगा, उठाओ बताओ क्या कह रही है। मैंने टिकट्स की पिक्चर्स डाली थी ना इंस्टा पे, तभी आई है। रुको, उसका फोन उठा के उसको बोलो हैशटैग ट्रेंड करेगा, हाशु एंड रूमी इन दुबई। हेलो, हाँ यानी क्या हुआ है? कॉलेज का व्हाट्सएप नहीं? अच्छा रुको, कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप देखो। हाँ ठीक है, करती हूँ बात। क्या है? गई भैंस पानी में। क्या हुआ? रूमी तुम चली जाओ दुबई और खिंचवाना बुर्ज खलीफा में फोटो। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? अब मिड टर्म एग्जाम्स अनाउंस हो गए हैं वीकेंड से, अब जाने देंगे अब्बा दुबई? भेड़ा गर्क, निकालो किताबें, अब बैठ के रट्टे मारे। ये शादी मनहूस है, एक भी चीज ढंग की नहीं हुई है तब से। यार शादी क्या तुम अकेले की हुई है? नहीं तो हम दोनों की हुई है। तो फिर सारे फैसले तुम अकेले कैसे ले सकती हो? वो तो मैंने बस अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। अच्छा, और मेरी ख्वाहिश, उसकी कोई वैल्यू नहीं है? सारे क्या हो गया, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तारा जाओ यहाँ से यार प्लीज, खामखा मैं गुस्से में तुम्हें कुछ कह दूंगा फिर हम दोनों ही अपसेट रहेंगे। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ यहाँ से, और आइंदा से भी ऐसे ही होगा।
जो खफा होगा वो ही कमरे से बाहर जाएगा। अब ये क्या ड्रामा? ये तारा का सिग्नेचर स्टाइल है और इसी को फॉलो करना होगा। ठीक है, मैं खफा हूँ तो फिर मैं ही चले जाता। ये क्या चल रहा है? शादी मेरे लिए थोड़ी, आप सब लोगों के लिए हुई है ना आपकी बहू की, फिर आप सभी बात कर लें आपस में। इसे क्या हो गया? कुछ नहीं चाची, खुद ही ठीक हो जाएगा सुबह। बहुत बुरा गुस्सा है इसका, नाराज हो जाए तो इतनी आसानी से नहीं मानता। आप लोगों के साथ करता होगा ऐसे, देखिएगा कैसे सुबह ठीक करती हूँ मैं इसे। चलो देखते हैं। अच्छा हाँ तारा, मैं तो इसलिए आई थी कि तुम्हारे चाचा को एसिडिटी हो गई है, दूध में इसबगोल मिला के दे दूं? जी जी दे दीजिए। तुम आओ जरा, तुमसे बात करनी है। हाँ जी जी। स्टूपिड लड़की की अकल में बात आई या नहीं? देखो ये जज्बातियत, रिश्ते, नाते, खानदान, ये सारी की सारी स्टूपिड चीजें जीन्स में मिली हैं इसे अपने बाप की तरफ से। मम्मा मुझे रिश्ते निभाने पर कोई एतराज नहीं है। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन लेकिन तारा जिस बाप की बेटी है ना, उसने इन खूनी रिश्तों की खातिर अपना घर खराब कर लिया, अपनी बीवी अपनी बेटी को अलग कर दिया, लेकिन खुद नहीं छोड़ा उन्हें। इंसान को बैलेंस रखना चाहिए जिंदगी में। एग्जैक्टली। अच्छा बेटा देखो, मेरा और तुम्हारा रिश्ता दामाद और सास का तो है नहीं, हम माँ बेटे। आई नो मम्मा। देखो मैं एक माँ होने के नाते तुम्हें एक मुखलिसाना मशवरा देना चाहती हूँ, अगर तुम माइंड ना करो। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, हुकुम करें। देखो बेटा, मैं तारा की माँ हूँ, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं समझ सकता। मम्मा मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, आप खुल के बात करें ना, क्या कहना चाहती हैं? बेटा मेरी मानो ना तो तारा को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो जाओ, अगर वो 2-4 महीने यहाँ रही ना तो उसने तुम्हारी जिंदगी अजाब बना देनी है इन खूनी रिश्तों की खातिर। जी डॉक्टर साहब, आप चाय लेंगे? दूध? नहीं नहीं थैंक यू सो मच, कुछ भी नहीं, बस हम लोग अब निकलेंगे। अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, मेरे ख्याल है आप रात यहीं ठहर जाइए, मैंने गेस्ट रूम सेट करवा लिया है आपके लिए। नहीं बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं जरा सलीम साहब को दे आऊं। और तुम क्यों इतने नीले पीले हो रहे हो भाई? अपसेट होने की बजाय जाओ अपनी चची के पीछे जाओ, ऐसा ना हो कि एक ही रात में ऐसी आग भड़के जो फायर ब्रिगेड भी ना बुझा सके। नहीं वो चची मेरी ऐसी नहीं है, मैं उनका मिजाज जानता हूँ, वो किसी को नहीं बताएंगी। अच्छा ठीक है चलो फिर निकलते हैं। अरे नहीं मम्मा, बाकी बहुत लेट हो गया है, अभी कहाँ जाएंगे, आप लोग यहीं रुक जाइए, आइए मैं आपको गेस्ट रूम दिखा दूँ। हाँ मैं जरा जाफर को देख लूँ। जी वैसे गेस्ट रूम यहाँ राइट पर ही है। ओके खेलेंगे। नहीं आज टाइगर वाली मूवी देखेंगे। वो तो परसों ही देखी थी हम लोगों ने। तो दोबारा देख लेंगे। नहीं जी। चलो भाई ना हम मूवी देख सकते हैं ना ही गेम खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर का वाईफाई नहीं चल रहा। डैडी अगर घर का वाईफाई नहीं चल रहा है तो हमारे पास जायज वाईफाई डिवाइस तो है ना? कहाँ है? ये रही। और क्या क्या रखा है जेब में? मेरे पास तो कुछ नहीं है। चलो ये अच्छा, इसको कनेक्ट करते हैं। मैं जान मेरे बिन
होंदा नहीं गुजारा। लो जी, इसने तो सचमुच कोई सीरियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है। बेटा मेरी मानो ना, तो तारा को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो जाओ। अगर वो दो चार महीने यहाँ रही ना, तो उसने तुम्हारी जिंदगी अजाब बना देनी है इन खूनी रिश्तों की खातिर। चची, आपका चांद खफा होकर चला गया है कमरे से बाहर। मैं जीत गया आज, यस। चलो मेरे साथ पिंकी खेलेगी, आ जाओ। क्या करो डॉलर? डॉलर 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 तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं रूम में चलते हैं, वहां देखेंगे मूवी। यस चीटिंग है। लगता है शादी नहीं बर्बादी हुई है मेरी। पहले खफा होता था तो नींद उड़ जाती थी डॉक्टर नैनतारा की, अब इसे कोई परवाह ही नहीं है मेरी। क्या खाक परवाह करूं इंजीनियर सालिम गुलजार की? भला इतनी सी बात पर भी कोई खफा होता है क्या? शादी से पहले तो बड़ी से बड़ी बात भी इग्नोर कर जाता था। सारी जिंदगी बर्दाश्त करने का ठेका थोड़ी उठा रखा है मैंने। क्या करूं, मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? उठाकर मना कर दिया कि नहीं जाऊंगी हनीमून पर। भला हनीमून भी कोई ऐसी चीज है जिस पर इंसान अपनी इतनी प्यारी सी बीवी से खफा होकर कमरा छोड़कर चला जाए? कमरा ही तो छोड़ा है, कोई मुल्क थोड़ी छोड़ दिया जो मोहतरमा चार कदम चलकर मनाने भी नहीं आ सकती। चल चांद, तेरे सितारे की गर्दिश में भाई, चुप करके सो जा। पता था मुझे ये नाराज चूहा इसी बिल में मिलेगा मुझे। वो चची, पता है नाराज हो ना तुम अपनी तारा से। तारा से पहले मैं सॉरी करना चाहता हूँ आपको, वो तारा की अम्मी वाली बात पे। अरे तारा की अम्मी वाली बात हम सुबह कर लेंगे, अभी चलो अपने कमरे में, चलो जल्दी करो। मैं यहाँ सही हूँ ना। चलो तुम चलो अपने रूम में। अच्छा चला जाता हूँ। चलो हमारी नींद खराब करते हो, उठो चलो जल्दी से आ जाओ। चाची मेरी कोई गलती भी नहीं, मुझे पता है आपको। गलती नहीं है।